ये पूछ रहे हैं कि आप मुफ्ती बिलाल से मुफ्ती उस्मान कैसे बने। इन्होंने हमारा पूरा बायोडाटा पढ़ा हुआ है। ये कह रहे हैं कि पहले नाम बिलाल था, फिर उस्मान हुआ, तो ये उधर से इधर कैसे कन्वर्ट हुआ। असल मामला ये हुआ था कि जब मेरी उम्र तकरीबन 8 साल थी, तो बचपन से जो हमारा नाम रखा गया था वो बिलाल था। तो सभी लोग, बच्चे वगैरह, घर वालों ने ये जहन बनाया था कि इसे आगे चल के मुफ्ती बनाना है, तो जो बच्चे साथ में खेलते थे ना, तो वो बच्चे भी मुफ्ती बिलाल कहते थे। तो वो उसके बाद मेरी तबीयत के अंदर जिद की कैफियत बहुत थी, बहुत जिद, और जो बात एक सेट हो गई दिमाग में, खोपड़ी में, वो ही होना है। तो हमारे बड़े भाई मुझको लेकर हरदोई हजरत मौलाना शाह अबरारुल हक साहब नवरल्लाह मरकदहू के पास गए। हजरत से कहा, हजरत ये जिद्दी बहुत है, इसका कोई नुस्खा बताएं। मुझे भी याद है हल्का हल्का, मैं छोटा सा था, तो हजरत के पास बिठाया, हजरत ये जिद्दी बहुत है, जो बात दिमाग में आ गई ना वही करना है। तो हजरत ने पूछा नाम क्या है इसका, कहा भाई ने कि बिलाल नाम है। तो हजरत ने हंस के कहा कि बिलाल को दुनिया नहीं अपनी बात से हटा सकी, तुम कैसे हटाओगे, सारा मक्का नहीं हटा सका था। तो कहा कि ये तो नाम की तासीर है, वो जाहिर हो रही है। हजरत ने कहा कि अब बिल्कुल उल्टा कर दो नाम। हजरत ने कहा कि इसका नाम उस्मान रखो। कहा कि बिलाल में बहुत ज्यादा वहां पे अजीब जलाल था, और हजरत उस्मान में जमाल ही जमाल था, वहां जलाल का मामला ही बहुत कम था। हजरत ने कहा कि ये नाम कर दो। तो फिर हजरत की तजवीज के ऊपर ये हुआ, और फिर ये उस्मान नाम तजवीज हुआ, जब से लेकर अब तक यही चला। अब ये तो बहरहाल आप बता सकते हैं कि अब जलाल वाला मामला है या जमाल वाला, वो अल्लाह हू अलम।